हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है आकरण शब्द। आकरण शब्द मतलब दोस्त मुनि और बालक का रूप बताऊंगा जो एग्जाम में आना ही तय है। और एग्जाम में जैसे आता है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे पूछता है आप लोगों इस मतलब आकरण शब्द से एग्जाम में कैसे पूछता है। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। देखिए दोस्त, ये जो बालक रूप है ये मतलब कारक के रूप पर आधारित है, इसी पर इसको मनेत बनाया गया है। देखिए कर्ता मतलब कारक के रूप आठ होते हैं। देखिए हमने लिखा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे आठ तक होते हैं, कर्ता नहीं कर्म को आठ होते हैं। लास्ट होता है संबोधन तक होता है। फिर हमने क्या किया है कि तीन तीन को कॉलम बनाए हैं। एक में लिखा है एक वचन, दूसरा में लिखा है द्विवचन और तीसरा में लिखा है बहुवचन। एक वचन का मतलब जिसमें एक का बोध होता है, द्विवचन मतलब जिसमें दो का बोध होता है, और त्रि मतलब एक या दो से ज़्यादा, उसको मतलब बहुवचन। जिसमें हम लोग के साथ मतलब चार पांच को हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड जुड़ गए वहाँ पर एक से अधिक का बोध है ना, उसको हम कहेंगे बहुवचन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने बालक का रूप लिखा है, फिर बताऊंगा कैसे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव इस मतलब आकरण शब्द से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, एक वचन में बालक प्रथम पुरुष के सॉरी प्रथम में एक वचन में बालक क्या होता है, बालक बालक। फिर द्विवचन बालको, बहुवचन में क्या होता है, बालका, बालक बालको बालका। फिर होता है द्वितीय की एक वचन होता है बालकम, द्विवचन में बालको, फिर बहुवचन होता है बालकन। ओके, फिर होता है तृतीय नंबर में बालकेन बालकाभ्यम बालको, बालकेन बालकाभ्यम बालको। फिर चतुर्थ में होता है बालकाए बालकाए बालकाभ्यम बालके भया, होता है कि नहीं होता है। फिर पंचम में होता है पांच नंबर में बालकात बालकाभ्यम बालके भया। ओके, फिर मतलब खष्ट नंबर होता है बालकस से बालको बालकानम, और सेवन नंबर में होता है बालके बालकायु बालकेशु, और संबोधन में होता है हे बालक, मतलब जो प्रथम में लिखा है ना वही अंत में लिखना है, सिर्फ इसमें हे लगा देना है हे बालक। फिर द्विवचन में हे बालको, और बहुवचन में हे बालका होता है। अब ये देखिए आपसे कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप लिखते चलिएगा हमारे साथ। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने दोस्त के बाहर पूरा सेंड कर देना, ताकि मतलब जो लॉकडाउन में ज़्यादा तो को सिलेबस नहीं खत्म हुआ, लेकिन इससे क्या होता है ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, क्योंकि इस बोर्ड बिहार में उन्होंने क्या किया अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोगुना कर दिया। तो मेरे हिसाब से इस जो आकरण शब्द है इससे क्वेश्चन आना तो फैक्स है। ठीक है, तो अपने ग्रुप में सारा अपने फ्रेंड को सेंड कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा देना, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान सुनिएगा। पूछेगा कि बालक के चतुर्थ के बहुवचन में क्या होता है, तो बालक के चतुर्थ, अब इसे देखिए बहुवचन क्या है, बहुवचन में देखिए चतुर्थ में क्या है बालके भी, तो हो जाएगा बालके भी। ऐसा क्वेश्चन आचार्य को आप लोग को ऑप्शन देगा कि बालक के बहुवचन के चतुर्थ में क्या होगा, तो देखेंगे चतुर्थ अवस्था में चतुर्थ में, और बहुवचन इसके सामने ये हुआ बहुवचन क्या हो जाएगा बालके भैया। ऐसे तो आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, दे देगा कि बालक का खष्टी के द्विवचन में क्या होता है, तो खष्टी ये रहा खष्टी द्विवचन, अब इसके सामने कौन होगा बालकौ हो गया। ऐसा तो क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि बालक के तृतीय के द्विवचन में क्या होगा, तो तृतीय ये रहा ना द्विवचन ये रहा, तो तृतीय के द्विवचन क्या हो गया बालकाभ्याम। ओके, अब देगा कि बालक के सप्तमी के बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बालकेशु, सप्तमी ये रहा और बहुवचन ही रहा, तो बहुवचन ही रहा और सप्तमी रहा, तो क्या हो जाएगा बालकेशु। ऐसे तो आप लोग को एग्जाम में पूछता है, तो ये सारणी आप लोग को याद रखिए। जैसे मैं दो तीन इसमें जो मतलब वर्ड है ये रिपीट हुआ है, जैसे भैया बालकाभ्याम दिए देखिए तीन को रिपीट हुआ है, फिर यहाँ पर देखिएगा दो को रिपीट हुआ है ना, तो आप लोगों को याद करने का तरीका क्या है, आप लोग एक बार लिख लीजिए, मतलब एक बार याद कर लीजिए, फिर इस बार एक बार लिखिए, देखिए आप लोगों को लिखने का प्रैक्टिस हो रहा है, याद रहेगा तब ना आप एग्जाम में लिख सकेंगे, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं नो डाउट। फिर पूछ देगी बालक के एक वचन के पंचमी क्या होगा, तो बलकात हो जाएगा। ऐसा तो पूछता है, चलिए बोलो नेक्स्ट बैठते हैं मुनि के रूप में। यहाँ पर हमने मुनि शब्द लिखा है, मुनि का रूप हमने लिखा है, इसमें भी एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, होता है अच्छा होता है। लिखा है एक वचन है मुनि मुनि, देखो देखिए ध्यान से मुनि यहाँ विसर्ग है, यहाँ पर खाली मुनि है, फिर मुन्य मुनि मुनि
मोनिया, फिर होता है मुनीम मुनी मुनीन, मुनीम मुनी मुनीन। अच्छा तृतीय में होता है मुनीना मुनिभ्याम मुनिभी, मुनीना मुनिभ्याम मुनिभी। चतुर्थ में होता है मुने मुनि मुनि नाभ्याम मुनिभी। पांचवा में होता है मुने मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्य। सिक्स नंबर में होता है मुने, सिक्स कहा गया मुने मुनियो मुनिनाम। सेवन नंबर होता है सप्तमी में क्या होता है, ध्यान सुनिए मुनो मुनो मुनयु और मुनिसु। क्या होता है मुनिसु। आज जो आप मुनि के याद कर रहे थे तो समझिए नदी इसी टाइप का है, नदी इसी मतलब इसी पर आधारित है। आप मुनि के याद करिएगा तो नदी का हो जाएगा, बालक का याद करते हैं तो साधु का याद हो जाएगा आप लोग। एक आता है लता का, लता का भी हो जाएगा, लता के सब बालक पर बैठता है। जैसे मैं दोस्त पूछिएगा कि लता के चतुर्थ के बहुवचन में क्या हो जाएगा, लताभ्या। ओके लता के सप्तमी के बहुवचन में क्या होगा, तो लता के सप्तमी और बहुवचन में लतासु हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर बालक याद करते हैं तो लता का साधु का याद हो जाएगा, मुनि का याद करते हैं तो मुनि और नदी का याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए और हो गया। सप्तमी में होता है मुने मुनयु मुनेसु, और संबोधन में होता है हे मुनि हे मुनि हे मुनि और हे मुन्या। अब इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप तो जाने होंगे कैसे पूछेगा, पूछेगा कि जो था सुनी गया मुनि के तृतीय के बहुवचन में क्या होगा। तो हम लोग का तृतीय ये रहा, तृतीय देखिए यहाँ से मिला लीजिए, तृतीय हम लोग का ये रहा ना, और तृतीय के बहुवचन में बहुवचन ही आया तो बहुवचन क्या हो जाएगा, मुनि भी। तृतीय यहाँ पर देखिए दोस्त, तृतीय यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए मेरे तृतीय ये रहा, तृतीय गिन लीजिए एक दो तीन, तृतीय रहा। अब बहुवचन यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा बहुवचन में, मुनि भी। एकदम सिंपल होता है, आप लोगों को रटना रट लीजिएगा, या आप ज़्यादा स्ट्रांग है आपका माइंड वैसे ही हम लोग बना सकते हैं। एक बार पढ़िए और दूसरी बार लिखिए ताकि याद हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है तो देखिए पूछेगा कि मुनि के बहुवचन के सप्तमी में क्या हो जाएगा, मुनिसु हो जाएगा। फिर पूछेगा मुनि के द्विवचन, सॉरी मुनि के पंचमी के द्विवचन क्या हो जाएगा, यहाँ से गिन लेना है पाँच नंबर, एक दो तीन चार पाँच, पाँच नंबर क्या आएगा मुनि नाभ्याम, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है तो ये रहा आप लोगों का बालक का और मुनि का रूप, इसी तरह आप याद कर सके बालक का, इसे लता का याद रखेंगे और श्राधु का, और मुनि पर बैठेगा मुनि और नदी का। ठीक है तो आज हम इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।